ये वाइब्रेशन मोड है। बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, एक कप है ना जो थोड़ी आगे से मार, आगे से देख, उधर उधर देख। हेलो गाइस, कैसे आप सब? तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वो क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारी जो मेड है वो जा चुकी है और आज पूरे घर को हमने साफ किया है, मैंने और गोलू ने। तो सबसे पहले हम करवाएंगे घर का टूर आपको, और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने आज घर की सफाई कैसे की है। आप लोगों को पक्का डिफरेंस दिखेगा प्राची की सफाई में और हमारी सफाई में। हमारा ड्राइंग रूम जो कि आज लिश लिश कर रहा है, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगा इसे चमकाने के लिए। पूरे 2 से 3 घंटे लगे पूरे घर साफ करने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, डस्टिंग करने में। डस्टिंग चीकू ने की है, तो सारा डस्टिंग का क्रेडिट जाता है गोज़ टू चीकू। चीकू ने बहुत अच्छी डस्टिंग की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजे का कंपटीशन चल रहा है, पंजा लड़ा रहा है। एक और चीज़ भैया, चीकू ने ना ये भी चेंज कर दिया, हमारे रूम में लगा था पहले, बट चीकू ने बाहर लगा दिया। नितिन भैया का रूम जो कि आज पूरा चमक चुका है, और इस रूम में आज कोई भी चीज़ आपको इधर से उधर नहीं मिलेगी। जैसे कि अरमान सर को पसंद है, आप जानते ही हैं, तो ये रूम भी ऐसा पूरा लिश लिश कर रहा है। और ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता पागल साहब। और ये रूम तो ये रूम नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि इसमें अभी अरमान जी सो रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसी वजह से आज व्लॉगिंग मैं और गोलू कर रहे हैं। और एक और चीज़ बाथरूम भी नहीं दिखा सकते। हाँ। वो भी देखो, हमने पूरे साफ करे सारे बाथरूम, पर हम दिखा नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, आपको बालकनी दिखाते हैं। चला जाओ। बाहर का जो मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप चल रही है, मतलब कि धूप ऐसी है कि जो चुभ नहीं रही, हवा भी चल रही है, धूप भी चल रही है, तो आज मज़ा आ रहा है बालकनी में खड़े होके, क्योंकि बालकनी भी पूरी साफ है। और कपड़े अभी धुले नहीं हैं, धुल रहे हैं कपड़े, वो सूखेंगे यहाँ पे अभी थोड़ी देर। आँखें मेरी खुली रही है। चलो चलो अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आज तो जैसा कि आपको पता है, आज संडे है, और संडे वैसे फंडे होता है, पर हमारा बहुत ही बोरिंग निकल रहा है, क्योंकि सुबह से सफाई में लगे हुए थे। और अभी बज गए हैं शाम के 4, और अभी तक हमने लंच नहीं किया। लंच बन के रेडी हो चुका है, अरमान जी कर चुके हैं, बट मैंने पानी नहीं किया अभी तक। और अरमान जी ने सिर्फ एक ही रोटी खाई है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाए हैं। और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कुछ करें, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं आज सोच रही हूँ कि आज हम एक रील बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा मेकअप कर दूँ भैया, पीछे से कह रहे हैं हमारे ब्लॉग का है। तो हम सोच रहे हैं कुछ वीडियोस बनाए, तो देखते हैं उनके एब्सेंस में, हम ट्राई करते हैं कुछ वीडियोस बनाने का, पर हमें पता है इतनी अच्छी तो बन नहीं पाएगी, बट फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे। ट्राई करना तो बनता है जी। किसका? मैं और पायल, चल देखते हैं। ऐसे तो हमने गोलगप्पे कॉम्पिटिशन, हमारे जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि हम आज कुछ कॉम्पिटिशन करें। वैसे पायल और मैंने गोलगप्पे कंपटीशन, एप्पल एप्पी फिज कंपटीशन, और कौन सा था, बस दो ही कई कंपटीशन करे हैं। तो खाने पीने के कंपटीशन में तो मैं जीत जाती हूँ। तो आज भैया बोल रहे हैं कि हम पंजे का कंपटीशन करें, तो ठीक है भैया कह रहे हैं तो मान लेते हैं। चलो तो कर लेते हैं, हम पंजे का कंपटीशन करने वाले हैं। पंजे के कंपटीशन से पहले मैं कुछ खाना चाहती हूँ, क्योंकि देखो अभी हिम्मत नहीं है, कल चेस्ट वर्कआउट किया था तो वैसे ये दर्द हो रहा है। नहीं बहाना नहीं, ये बहाना पहले से कि मैं हार भी गई तो सेफ्टी पॉइंट है। नहीं तो ये देखो दोनों ने किया था, तो दर्द तो मुझे भी, दोनों को है दर्द को, देखा ना। तो ये बहाना है, क्या पता ये जीत जाए, क्या पता मैं जीत जाऊँ। तो देखते हैं कौन जीतेगा, आपको दिखाएंगे हम जरूर। तो गाइस दोनों भाभी में आज कंपटीशन हो रहा है, देखते हैं कौन जीता है। हमारे बीच में रेफरी है। दोनों हाथ पीछे। चीकू ये तो गलत बात है, तो मम्मी का हाथ लगा रहा है, एक एक हाथ पीछे। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा हाथ कौन सा होता है। राइट हैंड होता है आपका, ये तो मैंने यही लिया था पहले, इसने हटा दिया। चीकू साइड हो जाओ चीकू ऐसा नहीं करना, नहीं करना, ये गलत है। ऐसी बात बोलूं चीकू की वजह से? नहीं चलो सेकंड राउंड, ठीक है थोड़ा सा ऐसी। चलो पायल ने हाथ पीछे नहीं किया, चीटिंग है। नहीं मेरा हाथ पीछे था। चलो रेडी? रेडी चलो जी, स्टार्ट। फेस एक्सप्रेशन दिखाते हैं, फेस एक्सप्रेशन। चीकू नहीं, हाथ नहीं देख, मैं नीचे तो कर नहीं पा रही, पर अटक गया। लॉक नहीं लगाना, देखना ये कि जीतते कौन है। नहीं है चीकू, इसको कमरे में बंद कर, चीकू को अंदर ले जाओ। चीकू ऐसा करो, भैया को उठा दो,
थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया, फाइनल है ये। दो राउंड चिकू ने खराब कर दिए। हाँ, दो राउंड चिकू ने खराब कर दिया। स्टार्ट गोलू, ठीक है, चलिए। ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, गोलू क्या कर रही है तू? ये अजीब ही हरकत होते हुए, ये रात तक चलने वाला है मैच। ये यहाँ पे दोनों भाभियाँ वाइब्रेशन पे लग चुके हैं। ये वाइब्रेशन मोड है। एक और राउंड गिरी है। नहीं नहीं, गिर गए हैं। सुनो, मेरा एक बात बोलूं, आज बड़ा अच्छा पोछा लगा, तो बहुत डर से गया। ये अच्छे पोछे की वजह से गोडा फिसलते हुए। चीकू तो खुश की हार जाएगा। हाथ तो नीचे रखो। ये नितिन के लिए, ठीक है? चलो, ये चीकू को। चीकू तो खुश की है। चल चीकू कर। चलो, नहीं चीकू जीतेगा। ले भाई, चीटिंग करता है। पाल भाभी दोनों से ही हार गए। चल चीकू, चीकू आप मेरे पीछे रहोगे? चिल्ला मत, आप उनके पीछे रहो। अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई। एक कप है ना, जो कप का जो कोना है बिल्कुल कच्चा था, मैंने उठाया और चाय गिर गई और चीकू बच गया है। बेटा लगी तो नहीं ना? नहीं। पायल को बुलाइयो। पाल चाची, रुस्तम भी बच गया। मैंने कप उठाया और कप का जो ये था ना डंडा, ऐसे पकड़ा, ये डंडा टूट गया। टूटा नहीं था पायल, जो इसका डंडा नहीं, डंडा ये कच्चा था, ये कच्चा, ये मैंने उठाया ना, देख आप बच गए ना। चीकू बच गया। चीकू और आपको दोनों को नहीं लगी ना? चले क्या पूछा, बस ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए जल्दी जल्दी। चीकू के पैर पे गिर गई थी, देखा चीकू, चीकू के पैर पे गिरी थी, पर थोड़ा सा गिरी थी। ये कच्चे गिलास ऐसे मत लाया करो भाई। ये गोलू लेके आई थी 50 रुपए का एक। यार तुम पागल हो गया क्यों? यार ढंग से गिलास ले। सुनो, ये तो लाते ही दूसरे दिन पहला टूट गया था, 6 लाई थी। ऐसे मत करा करो ना यार। यार इस कप को भी इतना टाइम हो गया, गोलू के लेके आई थी पायल, कप को इतना टाइम हो गया। सस्ते के चक्कर में देखो नुकसान, अभी चीकू के पैर पे गिर जाती तो पायल मतलब अच्छा मेरे इसको ना शॉपिंग करने आती नहीं है, ये कुछ भी उठा के लाती है अपनी बड़ाई करने के लिए। हाँ। कि मैं सस्ता लेके आई हूँ तो मेरी बड़ाई होगी। मतलब कि कॉफी का कप गिर गया तो नाम मेरे पे आएगा। और पोछा मारा तो देख लो उसका कितना गंदे तरह से मार रही है। मेरे सर पे मत खड़ी हो, पूरे घर की साफ सफाई करी है मैंने अच्छे से। तो झाड़ू तो मैंने ही मारी थी, झाड़ू मारी थी ना बाकी का मैंने। दिमाग मत खा मेरे, चली जा। पोछा तो देख लो उठे कैसे लगा रही है, खुद लगा लिया आके। ठीक है, मैं 3 बार सुसू चेक करी हूँ, साफ कर चुकी हूँ पूरे घर का। झाड़ पोछा मारा अच्छे से और झाड़ू अच्छी लगी तो पोछा अच्छा लगा है, झाड़ू गंदी लगी तो पोछा भी अच्छा लगा है। कोई काम नहीं करती, सारा काम यही करती है। हाँ करती हूँ, हाँ करती हूँ। आप इनकी लड़ाई से परेशान हो, क्या कहना चाहोगे? मैं घर से बाहर निकल के कहीं और जाऊंगा यार। तो जाओ पहले, आप ही निकलो यहाँ से। आपके घर जाऊंगा, मैं ले चलूंगा बेटा यहाँ से दूर, ठीक है? हाँ, फिर जब भूख लगेगी ना तो होटल का खाना खाना। तो है नहीं कि पोछा कैसे मारी, पहले तेरे अंदर आई होती है, तेरे अंदर है, मेरे को अच्छे साफ सफाई करनी आती है। ये कप कौन लेके आया था ये बता पहले? यही लेके आई थी, लेके आई थी 50 रुपए का एक। सारे कप टूटे हैं, एक ही तो टूटा है ना। सुनो, कप टूट गया ना तो वापस से कह रही है, कह रही है मैं ना ये 50 रुपए का एक आया था, मैं ये दोबारा ले आऊंगी। इधर दिखाइए, आज ही बोला था मैंने यार, कप मत लाया करो ऐसे घटिया कप यार। गोलू थोड़ी आगे से मार, आगे से देख, उधर उधर देख, उधर देख आगे। अरे करने देना गोपाल, तू भी इसको देख रही है ना, मैं दिखा रही हूँ ना उधर से। बस मेरी आंखें भगवान ने दी है, भगवान ने आंखें तो सबको दी है, मुझे भी दी है, इसको इस रुस्तम को भी दी है, मुझे दिखते हैं अच्छे से क्या, ठीक है? हाँ। सुनो, मैं वैसे भी इसको शॉपिंग पे कभी भेजती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारा सामान उल्टा सीधा ही लाती है, इसलिए शू रैक भी मैं लेके आई, ठीक है? अब मैं सोच रही हूँ आज कप भी मैं ही ले आऊंगी, कम से कम ऐसे आज की तरह दोबारा ये ऐसा तो नहीं होगा कुछ। काम करो, आश्रम भेज दो किसी। मैं सोच रही हूँ आश्रम चली जाती हूँ, दोनों खुद ये मैं सोच रही हूँ आश्रम चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तो कोई काम करती नहीं। सुनो, ये क्या करती है, ये जानबूझ के आपको बोलती है, क्योंकि मुझे तो बोल नहीं सकती है, मैं तो इसकी मुझसे डरती है तो मुझे बोल नहीं सकती, इसलिए आपके ऊपर आ जाती है। बोलो आश्रम में छोड़ो, आश्रम में छोड़ो। तो शाम के बज गए हैं 5 और अभी सोच रहे दोबारा से झाड़ू पोछा हो जाए, क्योंकि घर दोबारा से गंदा हो गया है और पूजा भी करनी है, तो घर की पूरी सफाई दोबारा से कर लेते हैं। तो
तो घर की सफाई करना कितना मुश्किल होता है ये आप लोग सभी जानते हो जो जो ये व्लॉग्स देखते हो, क्योंकि मुझे पता है हमारे व्लॉग्स देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ हैं जो हमें इतना प्यार करती हैं, हमारे व्लॉग्स देखती हैं। तो आप सबको भी पता होगा झाड़ू पोछा करने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप देख चुके हो, अभी सिर्फ झाड़ू लगाई है मैंने और मुझे पसीना पसीना हो गई, मैं देख सकते हैं आप। तो 6 बज चुके हैं शाम के, घर का सारा काम हो चुका है, देख सकते हैं घर बहुत चमक रहा है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, आप पूरा देख सकते हैं, पूरा क्लीनिंग हो गया है। और गोलू क्या कर रही है किचन में, जरा दिखाती हूँ। तो गोलू काट रही है आलू। क्या बनाने वाली गोलू? पहले बना रही हूँ ड्राई आलू की सब्जी। ड्राई आलू की दाल हमने दोपहर को बनाई थी, तो सोच रही हूँ कि ड्राई सब्जी बनाऊँ आलू की, ये तो चिकन खाएंगे। मैंने सोचा था बैंगन का भरता बनाऊँ। अरे मैं तो आलू काटती है। चल कोई नहीं, चल एक काम करती हूँ, फिर मैं ये बर्तन धो लेती हूँ ना, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, बर्तन रह गए हैं, मैं बर्तन धो लेती हूँ और पानी की बॉटल्स भर के रख देती हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वो आज पूरा दिन पानी पिएंगे तो पानी की बॉटल्स भर के रखनी है। डिटॉक्स वाटर पिया था? नहीं अभी नहीं पिया, अभी तो झाड़ू पोछा किया है ना। हाँ चलो ठीक है। तो मैंने आज मेकअप किया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा कि हम वीडियो बना पाएं। और मेकअप की देखो मेरी हालत क्या हो गई है, और गोलू का भी मेकअप ऐसे हो गया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था हमारे को, बहुत ज़्यादा काम था, मतलब कि संडे बिल्कुल हमने रेस्ट नहीं किया, आज पूरा दिन हम काम किए। और ये और नितिन भैया और चीकू गए नीचे जिम करने, तो देख सकते हो मेरे को कितने पसीने आ रहे हैं, देख सकते हो आप, मतलब मेकअप में पसीने आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने रीड किए थे कि पायल कॉफ़ी का जो पेस्ट है वो कैसे बनाती है, तो मैं आप लोगों को आज शेयर करवाऊंगी कि पायल कॉफ़ी का पेस्ट कैसे बनाती है। एज़ यूजुअल पायल अभी भी कॉफ़ी का पेस्ट बना रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पायल तेरा कॉफ़ी का पेस्ट बन गया वो? हाँ, या दूध रख ले, बहुत ही अमेजिंग बने। दूध रख ले फिर कॉफ़ी पियेंगे। अच्छा मेरी ऑडियंस को प्लीज़ ये बता कि तू कॉफ़ी का पेस्ट कैसे बनाती है। तो गाइस इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कॉफ़ी का पेस्ट, हाँ एक दो बार आपकी कॉफ़ी और चीनी ज़रूर ख़राब होगी, क्योंकि एक बार में आप नहीं सीख सकते हो। इसके लिए आपको कॉफ़ी जितनी रखनी है उतनी कॉफ़ी रखिए, उसके ऊपर जैसे मैं रखती हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी, तो 6 चम्मच चीनी, ठीक है 6 चम्मच चीनी और 2 चम्मच कॉफ़ी, उसके बाद हल्का सा पानी लेके उसको मिक्स करना है। वो जब मिक्स करोगे आप तो पूरा मिक्स हो जाएगा, हल्का हल्का टाइट गीला सा एक पेस्ट बनेगा, गीला नहीं टाइट पेस्ट बनेगा। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल मात्र जैसे 1 बूंद 2 बूंद पानी डाल के बीच में आपको पानी डालना पड़ता है, और ऐसे फोर्क से, आपको नॉर्मल चम्मच से नहीं बनेगा, फोर्क लेनी पड़ेगी इसके लिए। फोर्क से आप इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए, बीट करते रहिए, आपकी भी सेम ऐसी कॉफ़ी बन जाएगी। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ ज़रूर होगी कि स्टार्टिंग में अगर आप पेस्ट बनाएंगे कॉफ़ी का तो एक दो बार ज़रूर ख़राब होगा। मैंने जब बनाया था मेरा भी ख़राब हुआ था, मतलब मैं इतना परफेक्ट तो नहीं बना पाती जितना परफेक्ट पायल बनाती है। तो गोलू इसी बात पे दूध रख ले, गरम कर ले, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, बढ़िया सी कॉफ़ी पीते हैं, थक गए हैं यार। ठीक है, बहुत काम कर लिया आज। तो कैसे हैं गाइस सब लोग? तो अभी मैं मतलब आज सारा दिन से तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा मैंने सोचा कि वर्कआउट कर लेना चाहिए, तो अभी मैं नीचे गया था 1 घंटा रनिंग करके आया हूँ, तो अभी थोड़ी तबीयत सही लग रही है। अगर आप बीमार भी हैं तो भी थोड़ा वर्कआउट की तरफ ध्यान दें, तो उससे भी थोड़ी बीमारी दूरी भाग जाती है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। तो आप मुझे पायल को, अरमान जी को, चीकू को बहुत प्यार देते हैं, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं तो वो हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ से प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, तो कमेंट में ना भूलें अपना सिटी का नाम लिखना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय। अभी मैं मम्मी का मेकअप कर रही हूं। तो ये वाला ब्लॉग चीकू के चैनल पे आएगा।